नरसिंह घोटाले पर होगा घमासान। मॉनसून सत्र की आ गई बारी, विपक्ष ने कर रखी है अपनी पूरी तैयारी। कल का दिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत अहम है, क्योंकि कल से शुरू हो रहा है विधानसभा का मॉनसून सत्र, यानी कि वो समय जब जनता से जुड़े सवालों को जनप्रतिनिधि उठाते हैं। उम्मीदें बहुत हैं, लेकिन सवाल भी कि क्या हंगामे के बीच जनता के सवाल उठ भी पाएंगे। वैसे आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश सरकार ने लोकसभा चुनाव के कारण 1,45,000 करोड़ रुपए का अंतरिम बजट यानी कि लेखानुदान पेश किया था, और अब साल 2024-25 का पूर्ण बजट पेश होने जा रहा है, जिसे वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा 3 जुलाई को पेश कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि बजट 3,68,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो सकता है। साथ ही आपको ये बता दें कि विधानसभा सदस्यों ने मॉनसून सत्र के लिए 4,287 सवाल किए हैं। इन प्रश्नों में 2,108 तारांकित और 2,189 अतारांकित प्रश्न हैं। सबसे ज्यादा प्रश्न कानून व्यवस्था और बेरोजगारी से जुड़े हैं। कांग्रेस ने सरकार को घेरने के लिए नर्सिंग कॉलेज, चुनाव के समय की घोषणाओं को पूरा न करने, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और महिलाओं के साथ हुई अत्याचार की घटनाओं को प्रमुखता से उठाने की तैयारी भी कर ली। खास तौर पर नर्सिंग कॉलेज के मामले में हुए घोटाले पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने ट्वीट किया है और लिखा है कि नर्सिंग कॉलेज घोटाले के तथ्य खोज लिए गए और वो विधानसभा में नर्सिंग घोटाले के सरगना की सुरंग का दूसरा सिरा सारंग का सबूत के साथ खुलासा करने वाले हैं और इंतजार इसके लिए करना होगा। घोटाले की सारी परतें खोलने का वो दावा कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कल सदन में नर्सिंग घोटाले को लेकर स्थगन प्रस्ताव दिया जा सकता है और इसे स्वीकार न करने की स्थिति में हंगामा होने के आसार भी हैं। सत्तारूढ़ दल भाजपा ने पलटवार के लिए कांग्रेस सरकार में हुई गड़बड़ी को आधार बनाने की तैयारी भी कर ली है। कमलनाथ सरकार के वक्त कॉलेजों को मिली अनुमतियों को सामने रखकर कांग्रेस को घेरने की कोशिश भी सदन में हो सकती है। हालांकि इस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका ये कहना है कि लोकतंत्र के लिए ये जरूरी है कि विपक्ष अपनी बात रखे। विपक्ष अगर सकारात्मक सलाह देता है तो सरकार उस पर ध्यान देगी। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा में अच्छी चर्चा होना चाहिए, स्वस्थ चर्चा होना चाहिए, जरूरी है ये। कल से मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। देखिए, लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि पक्ष विपक्ष के लिए चर्चा करने के लिए विधानसभा सबसे श्रेष्ठ मंच होता है। वो सदन के अंदर वो अपनी बात कहेंगे, हम हमारी बात कहेंगे। अगर विपक्ष अपनी बात नहीं कहेगा तो ऐसा लगेगा लोकतंत्र अधूरा, इसलिए उनको उनका हक है। मैं हमेशा ये चाहता हूँ लोकतंत्र में कि विपक्ष हमारी कमियाँ निकाले, हमको बताए, आगाह करे कि हाँ ये आपकी कमी है, त्रुटि है। सरकार अपनी अच्छा ही बताएगी, हो सकता है उनकी कोई सकारात्मक कमी हो तो उनको कंसिडर करेंगे, उससे और आगे अच्छा बन करके, क्योंकि सरकार 5 साल चलती है। वैसे आपको बता दें कि व्यापम से लेकर 2003 पटवारी भर्ती में कथित अनियमितताओं तक मध्य प्रदेश में परीक्षा घोटालों का काला इतिहास रहा है, और अब इसे लेकर मध्य प्रदेश की मोहन सरकार स्कूल बोर्ड से लेकर प्रतियोगी और भर्ती की परीक्षाओं तक सभी परीक्षाओं को कवर करने के लिए इसी सत्र में कानून लाने वाली है, जिससे मध्य प्रदेश सरकार का पेपर लीक जैसे गंभीर अपराध को रोकने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस कानून में अपराधियों पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल का प्रावधान रहेगा। सूत्रों का यह भी कहना है कि स्कूली शिक्षा विभाग ने इसका मसौदा तैयार कर लिया है और विधि विभाग को भेजा गया है। इस मामले पर वरिष्ठ सचिव समिति की पहले चर्चा हो चुकी है। सरकार को ये उम्मीद है कि वो आने वाले विधानसभा सत्र में इस विधेयक को पेश करेगी। जानकारों का यह भी कहना है कि अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो कानून को अध्यादेश के रूप में लागू कर दिया जाएगा। सत्र की बात फिर से कर लेते हैं तो इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व मंत्री राम निवास रावत, वर्तमान के विधायक को कार्य परिषद बैठक से हटा दिया। अब वे समिति की बैठक से बाहर रहेंगे। रावत की जगह समिति में दतिया से विधायक राजेंद्र भारती को जगह दी गई। विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के निर्देश के बाद सचिवालय ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक से रावत को हटा दिया। बताएं कि रावत विजयपुर विधानसभा से कांग्रेस के विधायक चुने गए हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के एन पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी, जिसके बाद कांग्रेस लगातार ये मांग कर रही थी कि चूंकि वे उनके दल के अब सदस्य नहीं हैं तो उन्हें विधायक पद से हटाया जाना चाहिए। माना यह जा रहा है कि कांग्रेस की इसी आपत्ति के बाद कार्य मंत्रणा की बैठक से रावत को हटा भी दिया गया है। हालांकि मध्य प्रदेश में कल यानी कि 1 जुलाई से मॉनसून सत्र ही शुरू नहीं होने जा रहा, बल्कि कल से एमपी में एक नई व्यवस्था भी लागू होने जा रही है।
दरअसल कल से एमपी में वाहनों की जांच का तरीका बदल दिया जाएगा। एमपी में गुजरात पैटर्न पर वाहनों की चेकिंग होगी। अवैध वसूली रोकने के लिए मध्य प्रदेश में नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। नई व्यवस्था के तहत चेक पोस्ट का नाम सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट होगा और इस तरह के 45 सेफ्टी और एनफोर्समेंट पॉइंट बनाए जाएंगे। इसके साथ ही 49 रोड सेफ्टी और मोबाइल एनफोर्समेंट यूनिट भी बनाई जाएगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नई व्यवस्था को लेकर सोशल मीडिया पर जानकारी भी साझा की थी। कल 1 जुलाई से विभिन्न जो आरटीओ के चेक पोस्ट हैं, जो राज्य से बाहर के आवागमन के वाहनों के लिए अपनी भूमिका अदा करते हैं, इन सारे चेक पोस्ट पर सभी जिला प्रशासन के साथ हमने तालमेल करने के लिए और यहाँ होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए, खास करके जबरन वसूली के या अन्य अन्य प्रकार की जो शिकायतें मिलती रहती है, इनको सबको दूर करके साफ सुथरे ढंग से जो आरटीओ का अपना मूल काम है, उस काम को करने के लिए प्रबंधन किए गए हैं। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश के लिए 1 जुलाई का दिन काफी अहम रहने वाला है। एक और जहां लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का सत्र आहूत होने जा रहा है, मॉनसून सत्र है, बजट पेश होगा और इसके अलावा नरसिंह घोटाले को लेकर सवाल जवाब भी हो सकते हैं। इसके अलावा वाहनों की जांच के लिए मध्य प्रदेश में कल से नई व्यवस्था भी लागू हो जाएगी।